अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ सुल्तान दी सोफिया कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। तमाम मज़ेदार रेसिपीज़ हमेशा वांगुरु खणी ईंदा आहियूं। हिन दफ़े भी तव्हांजे साम्हूं तमाम सुठे फ्लेवर सां गॾु जेका रेसिपी ठाहियूं पिया, अॼु ठाहियूं पिया दाल। लेकिन दाल असां ठाहींदासीं चिकन फ्लेवर में, जेको मसाको फ्लेवर आहे, चिकन फ्लेवर मसाको। हे तमामु सुठो साशे मिले पियो, मार्केट में अवेलेबल आहे, ॾिसी सघो था। हिनखे तव्हां दाल में बि ठाहे सघो था, हिनखे तव्हां चिकन में बि ठाहे सघो था, डिफरेंट क़िस्म जी वेजिटेबल्स में, भाॼियुनि में ठाहे सघो था। ख़ासि कर लोबिया जी दाल, चणे जी दाल में ठाहे सघो पिया। अॼु मां ठाहियां पियो मुङनि जी दाल में फ्राई मसाला दाल ठहंदी, ऐं हिन मसाले सां तमामु बहितरीन फ्लेवर ईंदो, छाकाणि त हिन में हर तरीक़े जा फ्लेवर आहिनि। ऐं ख़ासि कर चिकन जेको ओरिजिनल रेसिपी सां ठहियलु आहे, तमामु बहितरीन। हिन में लूणु विझण जी असांखे भाॼी में ज़रूरत न पवंदी आहे, हिन में लूणु आहे, ठीकु आहे। चिकन प्रोटीन सां तयारु थियलु आहे, हर जॻह मिले थो ई साशे, ऐं ॿ क्यूब जेका हूंदा आहिनि चिकन जा, हुनजे बराबरि ई हिकु साशो हूंदो आहे, ठीकु आहे। त हिन में असां मज़ेदार दाल ठाहियूं पिया, ऐं हुन सां गॾु कस्टर्ड ठाहींदासीं वनीला में। तमामु बहितरीन आहे बिज़िम, हे कस्टर्ड आहे, टे फ्लेवर में अवेलेबल आहे। हिकु आहे स्ट्रॉबेरी, हिकु आहे वनीला, हिकु आहे चॉकलेट। टिन्हिनि जो तरीक़ेकार सेम आहे ठाहिण जो, ऐं सिर्फ़ु साशे में जेका मक़दारु विधल आहे उहो कंहिंमें घटि आहे, कंहिंमें वधीक आहे। लेकिन हुन हिसाब सां हुनजे बैलेंस खे एनहेंस करण लाइ, हुनजे कलर खे एनहेंस करण लाइ, हुन बैलेंस करण लाइ हिन जो जेको खीरु हिन में विझिबो, उहो सॼो पुठियां लिखियलु आहे कि हिन में अधु लीटर खीरु आहे, हिन में टे पाउ खीरु वेंदो, हिन में बि टे पाउ खीरु वेंदो। त इहा रेसिपी तमामु बहितरीन आहे, ऐं अॼु असां ठाहियूं पिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ऐं हिन में को आर्टिफिशियल कलर ऐं फ्लेवर न ॾिनो आहे। जेको चुकंदर हूंदो आहे रेड वारो, ॻाढ़ो गोगड़ू बि जंहिंखे चइबो आहे, चुकंदर ॻाढ़ो, हुनजो ओरिजिनल कलर ॾिनल आहे, ठीकु आहे, हिनजो स्ट्रॉबेरी कलर ॾियण लाइ। त हीअ बहितरीन अॼु तव्हांजे साम्हूं ठाहींदासीं हिनखे क्रीम सां गॾु, त हीअ ज़रूरु ठाहिजो। ऐं स्ट्रॉबेरी जो जॾहिं सीज़न हुजे त स्ट्रॉबेरीज विझी बि तव्हां हिनखे अञा बहितरीन करे सघो था, ठीकु आहे। पंहिंजे हिसाब सां वेरिएशन्स पाण सिखियो, पाण कयो। त इहा रेसिपी तमामु बहितरीन अॼु तव्हांखे ठाहिण सां सेखारियां पियो, सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदुसि, ऐं ठीकु आहे। हीअ बहितरीन प्रोडक्ट आहे, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी बना रहे हैं। दाल मैंने बहुत तरीके की बनाना सिखाई है, लेकिन आज हम मसाको चिकन फ्लेवर में बना रहे हैं। मसाको बेहतरीन ये मसाला है, ठीक है। मसाको 2 चिकन क्यूब्स के बराबर एक साशे है, ठीक है। नमक हम सालन में नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, और इसमें जो सॉल्ट है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जो नमक नहीं खाते, तो आप अगर ये मसाला डालेंगे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बैलेंस रहेगा, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। चिकन प्रोटीन से तैयार किया हुआ है बेहतरीन ये फ्लेवर के साथ, और साथ ही हमारे पास है यहाँ पे बिज़िम का कस्टर्ड, ये मार्केट में अवेलेबल है। कस्टर्ड जो है स्ट्रॉबेरी में आज बनाना सिखा रहा हूँ क्रीमी फ्लेवर में, साथ ही हमारे पास वनीला है और कस्टर्ड है। इसका जो तरीक़ेकार है वो सारा मैं आपको बताता चाहूँगा, और कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, आप देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं दाल की रेसिपी। सबसे पहले इसके लिए हमने लेनी है मूंग की दाल 1 पाव या 200 ग्राम जितनी आपके पास हो, आपने भिगो देनी 2 से 3 घंटे पहले। भगार के साथ मैं बना रहा हूँ इसमें दाल, तो यहाँ पर हमने लेना है 6 to 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ठीक है। 8 खाइण जा चमचा कुकिंग ऑयल, ऑयल गर्म थींदो। हिन में असां दाग ठाहींदासीं अदरक थूम ऐं ज़ीरे जो, ठीकु है। अदरक लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। हरी मिर्चें जाएंगी 2 अदद, अगर मोटी वाली फीकी हरी मिर्च चाहिए 3 कर लें, बारीक तीखी हैं तो 2 कर लें, ठीक है। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑयल गर्म होगा, सबसे पहले हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन कुटावा या पेस्ट आप डाल दें जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये डाल दिया, साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 2 अदद और सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच भर के। भगार बनेगा इसका, ठीक है। अछो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो, अदरक थूम कुटियल 1 खाइण जो चमचो, ऐं सावा मिर्चनि में 2 अदद विझा। दाग ठहियो, जैसे भगार बनेगा इसमें हम डाल देंगे मीडियम साइज़ के 2 टमाटर, और अगर छोटे टमाटर हैं तो 3 डालेंगे। चंगी तरह इनके फ्राई कंदो, जैसे इसमें से अरोमा निकलने लगेगा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का और ज़ीरे का, तो इसमें आपने डाल देने हैं चॉप किए हुए टमाटर, 3 छोटे या 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के आपने भूनना है, टमाटर नरम होने तक आपने फ्राई करना है टमाटरों को। इजी वे में दाल बनाना सिखा रहा हूँ। साथ ही फिर हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच,
पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ऑयल गरम करो अठ खाण जो चमचा, उनमें जीरो विधो एक चाय जो चमचो, अदरक तुम कुटियल एक खाण जो चमचो, बद सावा मिर्च विधा, दाग थो खुशबू अचण लगे तो इनमें टमाटर विछो बद वाइन था ब नंढा दरमियानी साइजन था टे टमाटर जैसे नरम थे लगता कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो। लूण विझण की जरूरत ना है, मसाको जो मसालो उनमें सॉल्ट होंद है। ठीक है, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है इस मसाले में। ठीक है, और दो चिकन क्यूब के बराबर ये पूरा साशे है जो इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं ऐड नहीं करूँगा, पहले मसाला जब वो भुन जाएगा टमाटर और लाल मिर्च हल्दी का, तो हम इसमें दाल जो भिगो के रखी हुई थी दाल का पानी आपने हटा देना है और ये भीगी हुई दाल आपने इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, मूंग की भीगी हुई दाल एक पाव या 250 ग्राम या 200 ग्राम जितनी या 150 ग्राम भी आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दाल डाल के 3-4 मिनट तक आपने दाल को भूनना है। ठीक है, दाल के 3-4 मिनट टाइम भुने दो, दाल को 3-4 मिनट तक आपने अच्छी तरह फ्राई करना है इसमें मसाले के साथ तेज़ आंच पे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाको चिकन फ्लेवर मसाला। मसाको चिकन फ्लेवर मसाला ये पूरा साशे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। ठीक है, जब दाल आपकी 3-4 मिनट फ्राई होगी देन आपने ये मसाला इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये मसालो सजो विंदो ब चिकन क्यूब जो बराबर है दाल के बटे मिनट फ्राई कर दो, क्योंकि फ्राई करने का मकसद ये है कि दाल जब हम फ्राई ना करें इस तरह डाल के कवर करेंगी तो वो बॉयलिंग आना शुरू हो जाती है, झाग बनना शुरू हो जाती है और दाल गिरना शुरू हो जाती है बाहर आती। फ्राई करेंगी वो बैलेंस हो जाएगी और इसका जो स्टार्च निकलेगा दाल का वो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, दाल जो जिका इनमें निशास्तो निकले तो दाल में तो वो हमेशा छाती दो पानी विझी जब बॉयल करना है मथे अची वो तो ये फ्राई करण में इनमें मथे ना। 3-4 मिनट होने लगे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, अब हम इसमें मसाको चिकन मसाला पूरा साशे ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा दाल का, चिकन का फ्लेवर आएगा इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। ठीक है, ये मसाले के साशे मार्केट में मिलते हैं और इसका पूरा पैकेट मिलता है और ये पैकेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह का पैकेट है ये आप ले। ठीक है, ये पैकेट मिले तो इनमें साशे होता है, ये वठी रखो जैसे भी तुम राशन वठंदा हो सामान वठंदा हो तो तुम उजड़ खपे ही करना। ये पैकेट पूरा आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो लेके रखें, इससे क्या होगा जब भी आपका दिल कर रहा है आप ये फ्लेवर लें और जो भी दाल है सब्ज़ी इसमें डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बन जाता है। अभी भी मैं दाल को फ्राई कर रहा हूँ, जब इसमें साशे खोल के डाला है तो बहुत अच्छा इसमें से अरोमा आने शुरू हो गया। ठीक है, चिकन फ्लेवर ॾाढो सुठो इनमें दाल में अचण लगो है, इनके बटे मिनट मज़ीद भुनंदासीं अच्छी तरह इसको 2-3 मिनट भूनते भूनते। आपने फिर क्या करना है, इसमें हाफ कप पानी डालना है, हाफ कप पानी डाल के हम इसे दम पे लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इजी वे में ये दाल बनाना सिखा रहा हूँ। पानी जो इसका मसालों का खुश्क हो गया है, ठीक है, मसालन जो मसालन जो पानी खुश्क थी गया। ठीक है, पानी मैंने थोड़ा डाला है हाफ कप, चूल्हा हल्का करेंगे इसको दम पे लगा देंगे। ठीक है, हाफ कप पानी डाला है, चूल्हा कम करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। इसको दम पे लगाएंगे हल्की आंच पे, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उनखां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको दाल हुई में मसाको मसालो विधो, इहो बि तव्हांखे ॿुधाए छॾां की हीउ जेको साशे आहे हे 15 रुपए जो आहे। ठीक आहे, 15 रुपए जो मार्केट में अवेलेबल आहे हीउ साशे, ऐं चिकन क्यूब असां हिन जे मक़दार में जेके ॿ वठूं था उहे तक़रीबन 50 खां 60 या 70 रुपए जे बराबरि आहे मुंहिंजे ख़्याल में, त हे 15 रुपए जो तव्हांखे साशो पए थो, एॾो सस्तो पए थो ऐं सेम फ्लेवर अचे थो। ठीक है, चिकन क्यूब जो हम लेते हैं मार्केट से तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, आपको 50-70 के करीब या 80 के करीब वो क्यूब मिलते हैं दो। ठीक है, और ये आप लेंगी तो 15 रुपए का साशे मिलता है, तो इस तरह का बॉक्स आप ले लें, इसमें बहुत सारे होते हैं और ये 15 रुपए का साशे आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि कितना फ़र्क है दोनों की प्राइस में, लेकिन इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार होता है और चिकन क्यूब के मुकाबले में ये ज़्यादा बेस्ट है, आपको सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये लेंगी। अच्छा, एक दफ़ा हम इसमें फिर स्पून चलाएँगे, हल्की आँच पर आपने दाल को छोड़ देना और ये दम पर 20 से 25 मिनट में आपकी दाल तैयार हो जाएगी। अब हम आ रहे हैं कस्टर्ड बनाने के लिए और इसके लिए हमने लेनी है सीज़र और यहाँ से मैं उठा रहा हूँ बिज़म, ये है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। ठीक है, बिज़म स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, यहाँ पे मैंने दूध लिया है 500 ml। ठीक है, 500 ml यानी हाफ लीटर दूध है और ये पूरा पैकेट इसके अंदर जाएगा, डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, चीनी वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो कलर आ रहा है स्ट्रॉबेरी
ये जो बीटरूट होते हैं जिसे हम चुकंदर कहते हैं उसी का फ्लेवर कलर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। चुकंदर के कलर से इसका स्ट्रॉबेरी कलर दिया हुआ है और ये आपने बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दूध की जितनी क्वांटिटी आपने उसी क्वांटिटी में इसको डिसॉल्व करना है, दूध बढ़ाना नहीं है, वरना इसका जो ओरिजिनल कलर है वो डल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो मेजरमेंट दी हुई है साशे के पीछे आपने उसको फॉलो करके बनाना है। देखें परफेक्ट इसका कलर आ रहा है, ठीक है। जो रंग अच्छे पे हो चुकंदर का गाढ़ो गुगड़ू जो हों हुन खां इन जो कलर दियो वियो है और बेहतरीन तरीके से इन जो कलर ठहे पे हो इनके चंगी तरह तां डिसॉल्व कंदो इनके तहां वधी खीर न विझंदो। अध लीटर खीर में ही ठहणो, अगर तां वधी खीर विझण जी कोशिश कंदो तां जो कलर डल थी वेंदो। त हर शइ खे मेजरमेंट करे बैलेंस करे ठाहियो वियो आहे, पाउडर खे ॾाढी सुठी खुशबू अचे पई जॾहिं मां इनखे मिक्स कयो आहे। हाणे खणंदासीं हिकिड़ो पैन या कढ़ाई, हुन में असां विझंदासीं सॼो मिक्सचर। जो भी पैन आप लेंगी साफ़ सुथरा होना चाहिए, सालन वाली स्मेल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छी तरह डिसॉल्व करके आपने कि पूरा इसके अंदर डाल देना है। सारा मिक्सचर डाल दिया, अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। दाल को बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे लगा दें और इसका चूल्हा एक मिनट के लिए तेज़ करेंगे ताकि इसमें बॉयलिंग आना शुरू हो जाए। उसके बाद हल्की आंच करके इसको आपने पकाना है। जैसे इसमें साइड्स में बॉयलिंग आएगी तो फिर आपने इसमें स्पून चलाते रहना है या विस्क ले लें। विस्क से क्या होता है लम्स ख़त्म हो जाते हैं, बहुत अच्छा क्रीमी टेक्स्चर आता है, ठीक है। विस्क खणंदो इनका लम्स ख़त्म थी था गंढा न था ठहन में, बिल्कुल ईज़ी तरीके सां ये तैयार थियण शुरू थी वेंदो, ठीक है। यहाँ पे हमारी दाल तैयार हो रही है और इसको तकरीबन 10 मिनट बाद देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद हरा धनिया हरी मिर्च डाल के इसको दम पे लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं ये देखें बॉयलिंग आ रही है, बॉयलिंग आना शुरू हो गई तो आपने इसके साइड्स जो हैं पहले साइड से आपने हमेशा घुमाना होता है क्योंकि साइड्स जलते हैं, साइड्स लग जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा किया करें कि साइड से घुमाया करें, सेंटर में बाद में घुमाएं, पहले साइड से उतारते जाएं और इसको 3 से 4 मिनट यूँ गाढ़ा करेंगी। जब अब तेज़ बॉयलिंग आना शुरू होगी तो मैं हल्की आँच कर दूँगा, ठीक है। बॉयलिंग अच्छी हुई तो इनमें इनके हल्की बाहे थे चंगी तरह मिक्स कंदासीं। मिक्स करते हुए इसको हमने अच्छी तरह डिसॉल्व करना है। अच्छा स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो आप स्ट्रॉबेरीज़ के साथ इसको सर्व करें मिक्स करके। कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकती हैं, प्लेन कर सकते हैं इसको। इसमें आप क्रीम डाल के जितना ये पूरा एक पैकेट है इसमें पूरा एक पैकेट क्रीम 200 ml क्रीम फ्रेश ठंडा करके मिलाएंगी। उसके बाद आप आइसक्रीम के जो सांचे होते हैं उसमें भी जमा सकती हैं, ठीक है। कुल्फ़ी के सांचे होते हैं उसमें डाल दें, कुल्फ़ी के स्टिक डाल के या फ्रीज़ कर दें 12 घंटे, 8 से 12 घंटे फ्रीज़ करेंगी तो ज़बरदस्त इसकी कुल्फ़ी बन जाएगी। आइसक्रीम बनाना चाहती है तो आइसक्रीम बना सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह यूज़ करना चाह रही हैं, ठीक है। बिज़म कस्टर्ड बेहतरीन आए मार्केट में अवेलेबल है बिज़म जे नाले खां। अंजा 3 फ्लेवर हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च थोड़ा आई तुम ऐसो इनके ठाओ वो तुर्की में ये सजो तैयार थी आयल है पाकिस्तान में घुराया हुआ है। तमाम बेहतरीन ही प्रोडक्ट है, ईजीली कस्टर्ड ठही वो का मुश्किल ना है। कोई फ्लेवर विझण जी या खंड विझण की जरूरत नहीं पे, जी वनीला एसेंस खंड अड़ी का शे विझण की जरूरत ना। डायरेक्ट तुम बस ये सांचो साशे खोले इनके हिं डिसॉल्व कौ हाँ ऐसो ये 3 मिनट थे घाटो थे शुरू थी, ठीक है। 3 मिनट हुए और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, बस स्पून चलाती रहें इस तरह। जैसे ही गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर में आएगा चूल्हा बंद कर देंगे, इसे ठंडा करेंगे, 5 मिनट में आपका कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। वरना हम कस्टर्ड को क्या करते हैं, पहले ठंडे दूध में डिसॉल्व करते हैं, दूध बॉयल करते हैं, चीनी डिसॉल्व करते हैं, इसमें बॉयल करके फिर वो डालते हैं, विस्क करते रहते हैं और फिर जब वो ठंडा होता है तो ऊपर लेयर जम जाती है। इसके ऊपर लेयर नहीं जमती, ये खासियत है, इसके ऊपर कोई मोटी सी तह नहीं जमती, लेयर नहीं जमती, परफेक्ट क्रीमी होता है। बाद में आप ठंडा करके इसको जिस तरह भी यूज़ करना चाहें। अब देखिए ये परफेक्ट हो गया, गाढ़ा हो गया, चूल्हा बंद कर दिया, अच्छी तरह मिक्स किया और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, ठीक है। हाँ इनके थदे करण जल रखंदासीं चंगी तरह है मिक्स थी वा इनके थदो कंदासीं इनके बाद इनके क्रीम से अगर मां सर्व करने में थोड़ा सा फ्रूट एंड क्रीम से अगर, ठीक है। क्रीम के साथ इसको हम सर्व करेंगे लेकिन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके आराम से। इसकी रेसिपी एक दफ़ा फिर रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। बिज़म कस्टर्ड बेहतरीन फ्लेवर में आए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आए, वनीला फ्लेवर में आए, आई चॉकलेट फ्लेवर में। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ला 500 ml यानी अध लीटर खीर खाएँ, बिज़म कस्टर्ड जो साशे पूरो खोलन में विझंद चंगी तरह मिक्स कौ डिसॉल्व कौ चंगी तरह मिक्स करण का पतीले में विझी मीडियम फ्लेम से मीडियम बाहे इनके पचाई दो जैसे घाटो थी वे लाही थदो कजो डायरेक्ट खाओ। चॉकलेट फ्लेवर बार ढो शौक से खाईन
जिन तरीके से तक सर्व कर आइसक्रीम भी ठाई सको इनके चंगी तरह मैं मिक्स किया पो ताकि जल्दरा का हीट निकली वे इनमें लम्ब्स ना अठन। ठीक है, इसकी पिज़्म कस्टर्ड, पिज़्म कस्टर्ड पिज़्म के नाम से आपको मार्केट में साशे में मिल जाएंगे। वनीला में 750 ml यानी 3 पाव दूध डलेगा। पीछे देख के आपने करना है, ये ना कि आप 1 लीटर दूध में पूरा डाल लें, जितना दूध लिखा हुआ उतने में आपने बनाना ताकि इसका टेक्सचर परफेक्ट बनेगा। उसके बाद आपने पानी में दूध में इसको मिक्स करना है। दूध में मिक्स करने के बाद पतीले में डालना है और 4 से 5 मिनट में ये गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपने उतार के ठंडा कर लेना। ठीक है, ज़बरदस्त ये तैयार थी वो इनके चंगी तरह थदो कंदा से। ठीक है, अच्छी तरह इसको ठंडा करना है, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, क्रीमी टेक्सचर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम मिलाएंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करके बना रहा हूँ। हाफ पैक फ्रेश क्रीम यानी 100 ml हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, इस तरह शेडेड करके। पूरा मिक्स नहीं करना, ये देखिए इस तरह मार्बल लुक आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, 2 ग्लास लेने या 2 बॉल ले लें। उसमें आपने डालना है फ्रूट, 4-4 खाने के चम्मच मिक्स फ्रूट, या एक भी कोई फ्रूट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मिक्स फ्रूट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। बेस में आपने इसके फ्रूट डाला, इसके बाद आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इस तरह मार्बल शेड देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स भून लेते हैं इस तरह करके। आपने ये ग्लास में डालना है, बिल्कुल इजी तरीके से इनमें आराम आराम से इनमें ग्लास में भिजन दो। पूरा कस्टर्ड आपने निकाला, 2 ग्लासेस में। अच्छा, ये ग्लास के साइज़ जो हैं थोड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 500 ml था, तो ये बैलेंस होके इतना ही बनेगा, क्योंकि 200 ml होता है ग्लास हमारे पास, तो ये 500 ml था, तो कस्टर्ड के साथ जाके 500 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, फ्रूट्स भी हैं इसमें, हटा देते हैं, क्लियर करते हैं। ऊपर से फ्रेश क्रीम, ठंडा करके आपने प्रोसेस करना है सारा। ठीक है, थदो करे पिज़्म कस्टर्ड आपने यूज़ करना है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर आ रहा है, और ये मार्केट में अवेलेबल हैं साशे तीनों फ्लेवर्स में। ठीक है, अब हम इसके टॉपिंग पर डालेंगे फ्रूट्स, जो थोड़े से मैंने बचा के रखे थे। कलर आएगा फ्रूट का, और इसके बाद हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम से इनके चंगी तरह टॉपिंग कर दो। ये हो गया। उसके बाद लाइट सा ग्रीन कलर देने के लिए, ये खाने नहीं होते, आप निकाल लें, लेकिन ये होता है इससे ग्रीन शेड आता है तो ज़रा लुक अच्छा आता है। ठीक है, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी ग्रीन टच दिया हुआ होता है। ये हमारी ज़बरदस्त हो गया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। दाल हमारी तैयार हो गई। दाल के लिए यहाँ पे सिर्फ फ्रेश हरी मिर्चें कटिंग करके डालेंगे। ठीक है, हरा धनिया फाइन चॉप करके, और हरी मिर्चें भी फ्रेश आपने कट करके डालनी है, दम पे नहीं रखना है दाल में हरी मिर्चों, क्योंकि इसका अपना ही फ्लेवर आएगा। ठीक है, सावा मिर्च बखट रही अदद कटिंग करें जंदर भी जंदो। दाल हमारी हो गई रेडी, देखिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने मसाको चिकन फ्लेवर इसमें डाला है। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा है। तो इसमें हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे, हरी मिर्चें मिक्स करेंगे,
इस तरह करके ताकि फ्रेश इसमें अरोमा आए। मिक्स करने के बाद दाल को भी करते हैं डिश आउट। ठीक है, दाल के भी डिश आउट क्यों था। इसी तरह आपने बनानी है दम पे ड्राई बिल्कुल, ठीक है, भुनी हुई दाल। लिक्विड वाली मैंने नहीं बनाई है, इसी तरह आपने बनानी है मसाको फ्लेवर के साथ, चिकन फ्लेवर के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ़्लेवर आ रहा है। डिफरेंट किस्म की दालों में, डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियों में आप ये फ़्लेवर डालें तो आपको बिल्कुल अलग से मज़ा आएगा। और ये पैकेट आपने पूरा लेके रखना है जो मैंने आपको बताया, जब आपका दिल करे आप बनाएं तो ये पैकेट ज़रूर डालें। एक साशे दोबारा बताऊँगा कि सॉरी, चिकन क्यूब हम लेते हैं तो वो 50-80 रुपीज़ के करीब मिलता है, ठीक है। और साशे हम अगर यूज़ करते हैं, दो चिकन क्यूब की जगह एक साशे जा रहा है तो ये आपको 15 रुपये का पड़ रहा है। तो इतना फ़र्क है इसमें, और बहुत सस्ता और बहुत अच्छा इसमें मयारी आपको फ़्लेवर मिलेगा चिकन का, वेजिटेबल्स में। ये हमारी रेसिपी हो गई कम्प्लीट, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा कस्टर्ड को, ख़ासकर बजम कस्टर्ड जो है वो डिफरेंट तीनों फ्लेवर्स में है, स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट में, ठीक है। चॉकलेट फ्लेवर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया है और ये आपने लेना है। तुर्की से ये फ्लेवर, ये कस्टर्ड मंगवाए गए हैं, फ़्लेवर जो हैं इनके डिफरेंट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, वरना पाकिस्तान में कभी भी ये फ़्लेवर नहीं था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों रेसिपीज़ हमारी हो गई कम्प्लीट। और कल ये सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ हसन मेरा पेज है, हमारा रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखेंगे। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ हसन जो पेज है उते भी रेसिपी अपलोड थी, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो। पांजो खोड़ सारो ख्याल रखो, सुभाणे वरी नई रेसिपी से मुलाकात थी, तेस ताईं दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असां जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।